क्या हुआ बताइए। जो अग्निवीर योजना चलाई है ना, बहुत गलत बात है। आप क्या करते हो? अब मजदूरी मजदारी बस, माड़ा मोटा कोई काम धंधा जो कर लेते हैं, क्या करें। कौन सो काम धंधा भी नहीं होने का, क्योंकि जो बेटा चला गया क्या करेंगे। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। थोड़ा मुझे बताइए अपने बेटे के बारे में, बताइए कैसे इसको आर्मी में इंटरेस्ट कैसे आया, क्या सोच रहा था, कैसे गया, कब गया। जुनून था उसमें, कहता मैं आर्मी में जाना, एक बार वर्दी पहना पहना कुछ भी हो जाए। पहली बार कब बोला उसने कि आर्मी में जाना है? कितने साल का? आर्मी कहते तो फिर क्या ट्रेनिंग करनी शुरू की, दौड़ना शुरू किया? बहुत बजे बजे कितने बजे जाता था दौड़ने? पाँच बजे। अरे बड़ा स्मार्ट लगता है, हीरो लगता है बॉलीवुड वाला। सारे ही कहते हैं। तो कब ज्वाइन किया? दिसंबर में गया। दिसंबर भाई में ट्रेनिंग किया, फतेहगढ़ साहब झुप्पी, 8 महीने की ट्रेनिंग। और पहले अग्निवीर का प्लान था या पहले सेना का? पहले दूसरे का रेगुलर था। अग्निवीर में कर तो चलो देखा जाए, अग्निवीर लाठ क्या सा हिस्सा, लाठ में क्लियर हो गया सर। अकॉर्डिंग लास्ट चांस ही है, मतलब कहाँ ये फोटो कहाँ ली गई? वाली हरिमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल पटियाला में। पटियाला पढ़ता है यार, एकेडमी पटियाला में पढ़ता है, क्लास 2 भी यार, प्यारा क्या करें। खुश था जब ज्वाइन किया? हाँ जी, बहुत। तो चेहरे पर देखने लायक था। हम भी मिठाई बांटी, हमने केक कटिंग, हैप्पी बर्थडे था उसका। फोटो है उसका? पच्चीस वीडियो बनाई है हमने ज्वाइनिंग के बाद। जब आप ये कहाँ काटा वहाँ पे बार बार क्या क्या सपने थे यार, मानते अग्निवीर ने घुटके मार दिए। कैसे हुआ आपको मालूम है या कुछ इन्फॉर्मेशन दी? फोन आया, फोन आया था 18 जनवरी, फोन आया मैंने, कहना ना कहने बुरी खबर है, क्या हो गया, बम फूट हो गया, मैंने पांव रखो गया, 3-4 लोग फटड़ हो गए, इन्हें बचा नहीं सके। अभी कहना रेफर किया उनको, वहाँ पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद तो हमें दिमाग अल्ट पल्ट हो गया। कितने बजे आया? 5:30। आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा ऐसा? अभी भी नहीं सोचा था। 12 तारीख तो मेरे ना बात हो गई, फोन आई है 17 को, फोन करया ऐसी गल ना कर दे, सुबह शाम भी करता था। राजी ठीक है, वो करता था ठीक है, 2 मिनट बात करता था, बात करवा दे ठीक है। हमें आप लोग भी बात करते थे? हां जी, 2 मिनट भी कभी कर देता था। करी अंदर सारे क्या कहता था? कुछ नहीं, बस ठीक ठाक। कैसे हो? ठीक हो? बस बढ़िया बातें करते। 9:30 बजे की गल है, शाम को बताया इतने घंटों के मॉर्निंग टाइम तो बात हुई थी। 9 बजे हुआ था ड्यूटी था ना, जाता हूँ ड्यूटी पे था, तो उस पे पैर लग गया। और भी कोई शहीद हुआ या नहीं? और सरकार ने कोई कॉम्पनसेशन कुछ मदद नहीं करी अभी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पंजाब सरकार ने की, और सानू पेंशन वगैरह लगनी चाहिए है। आप बेटी पढ़ दी है, इन नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ जी, इन बेटी मिल जाते ठीक है, अच्छा ही है। ये स्कीम अच्छा नहीं है। हाँ, ये बंद होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। जो नहीं, ये 2 तरीके के शहीद बना रहे हैं। हाँ, एक अग्निवीर है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ जी, और दूसरा मतलब उसको सब कुछ मिलेगा। हाँ, और फिर दोनों को एक साथ लड़ा रहे हैं। हाँ, मतलब दोनों की जान जाएगी। एक सोचेगा कि मेरा मतलब परिवार का कोई देखभाल नहीं करेगा, दूसरा दूसरे का पूरी फैसिलिटी। हाँ, इसके तो हम खिलाफ है। हाँ, अगर हमारी सरकार आएगी इसको बदल दे, बदलना चाहिए जरूरी। कोई और ना चला जाए बेटा किसी का, माँ का मान पछ के देखो जी, मैं पत गया, माँ का टंड नहीं कहना। ये तो सेध मिलनी चाहिए, बाकी बचाव होना चाहिए इसके जरिए। इनको ट्रेनिंग भी कम देते हैं। हाँ, 6 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो जाके लड़ाएंगे। इधर बात ये नहीं होना चाहिए, जवानों को मजदूर बना दिया भैया, जब निकालना निकाल देंगे। हाँ, कोई मतलब फैसिलिटी नहीं देंगे। हाँ जी, हाँ जी, दो क्लास के बना दिए जवान। मसला और हल होना चाहिए था कोई सामने, पर बड़ा स्मार्ट लड़का है। कहाँ कहाँ पोस्टेड रहा? कश्मीर में ही रहा? हाँ, पहले पहली पोस्टिंग थी जम्मू, जम्मू से ऊपर भेजा रजौरी बॉर्डर पर। अब फोन बजता है तो आपको डर लगता है? लगता है कि कुछ और कोई हादसा ना हो जाए। जब मेरे पापा की मृत्यु हुई थी वैसे ही फोन आता है, मतलब अचानक पापा की मृत्यु हुई थी तो वैसे ही फोन आया था। बड़ी उम्र कितनी थी? मैं 19 साल का था।
तो अचानक से आ जाता है पूरा, मतलब खत्म हो जाता है। वो शहीदों के बच्चे ही समझ सकते हैं या पिता समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। दूसरे लोगों के लिए बस फोन कॉल होता है, सरकार आएगी तो हम अग्निवीर को खत्म करते हैं। हमें मतलब दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए। सरकार अपनी सरकार तो 100% आने वाली है, तो फिर खत्म होगा ये भ्रष्टाचार जो करते हैं ना, ये मोदी जो भी है सब खत्म, हमें उम्मीद है पक्की। अमर सिंह जी, थोड़ा इनका कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है सर, सरकार से भी नहीं मिला। कैन इफ यू कैन हेल्प द गर्ल, ये आप करवा दीजिए, हमारी पढ़ाई भी खत्म करनी है। कोई बात नहीं सर, मेरे लिए और कुछ काम हो।